pass necessary journal entries for the following transactions on the dissolution of a partnership firm of Kavita and Suman on 31st March 2022 after the various assets other than cash and third party liabilities have been transferred to realization account. यानी आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन अ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ कविता एंड सुमन. ठीक है बच्चों, इन्होंने अपना फर्म जो है वो डिसॉल्व किया है 31st मार्च 2022 को और इन्होंने अपनी वेरियस एसेट्स अदर देन कैश और थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया है. आपको उससे आगे की ट्रांजेक्शन के लिए जर्नल एंट्री बनानी है. तो पहला पॉइंट बच्चों को जिस तरह से है, कविता टुक ओवर स्टॉक अमाउंटिंग टू ₹1 लाख एट ₹90,000. जो कविता है उसने 1 लाख के स्टॉक को ₹90,000 में ले लिया. ठीक है बच्चों, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी वो देख लीजिए. अब स्टॉक तो पहले ही रिलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज हो चुका है, तो अब जब स्टॉक रियलाइज होगा तो उसकी जर्नल एंट्री में स्टॉक का नाम नहीं आएगा, नाम आएगा रियलाइजेशन अकाउंट का. अगर ये स्टॉक बिक जाता तो एंट्री होती बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, मगर इसको कविता ने लिया है तो एंट्री बनेगी कविताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है बच्चों, और ये एंट्री बनेगी विद ₹90,000. क्रेडिटर्स ऑफ ₹2 लाख टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹3 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम. जो 2 लाख के क्रेडिटर थे उन्होंने 3 लाख की मशीन को ले लिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम. तो बच्चों, जब कोई क्रेडिटर किसी एसेट को टेक ओवर करता है इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, तो ना ही वो कोई पैसा ले रहा है ना ही वो पैसा कहीं दे रहा है, तो ऐसे में एसेट को हैंड ओवर करने की कोई एंट्री नहीं बनती टू द क्रेडिटर. ठीक है बच्चों, तो यहां पर कोई एंट्री नहीं बनाई जाएगी. अगली ट्रांजेक्शन देखिए बच्चों, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹23,000 विच वॉज टेकन ओवर बाय सुमन एट ₹17,000. तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी जिसको जो है सुमन ने टेक ओवर कर लिया एट ₹17,000, जबकि वो थी ₹23,000 की. तो बच्चों, चाहे रिकॉर्डेड एसेट हो चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट, जिस प्राइस पे उसको टेक ओवर किया गया है उस प्राइस पे उसकी एंट्री बनेगी. अब बिक जाती तो एंट्री बनती बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन उसे सुमन ने टेक ओवर किया है तो बैंक की जगह सुमन का नाम आ जाएगा और एंट्री बनेगी सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये एंट्री बनेगी विद ₹17,000. नाउ कम टू द फोर्थ ट्रांजेक्शन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹2,000. ये 15,000 नहीं है बच्चों, ये एक्सपेंसेस हैं ₹2,000 वर पेड बाय कविता. तो जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे ₹2,000 उसको कविता ने पे किया. अगर ये एक्सपेंसेस फर्म खुद पे करती तो एंट्री बनती रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन इन एक्सपेंसेस को क्योंकि कविता पे कर रही है तो जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कविताज कैपिटल अकाउंट. यानी कि ये एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म है बट पेड बाय पार्टनर है, और ये एंट्री बनेगी विद ₹2,000. अगली ट्रांजेक्शन में कहा है कि बैंक लोन ऑफ ₹21,000 वॉज पेड ऑफ. तो बैंक लोन एक आउटसाइड लायबिलिटी थी जिसको हमने पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया था. अब जब इस लायबिलिटी को पे किया जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि बैंक लोन तो पहले ही क्लोज हो चुका है बैंक लोन का अकाउंट, तो उसकी जगह रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. लायबिलिटी पे करने से फर्म का बैंक बैलेंस कम हो रहा है इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. ठीक है बच्चों,
तो किसी भी आउटसाइड लाइबिलिटी को जब पे किया जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है उस आउटसाइड लाइबिलिटी की जगह, इस बात को याद रखिएगा। अगले पॉइंट में कहा है कि लॉस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू रुपीज 7,000। अब ये डिसोल्यूशन का लॉस है जिसे हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इन दोनों का दे नहीं रखा, कविता और सुमन का, तो हमें इस लॉस को इनके इक्वल रेशियो में बांटना पड़ेगा, इनको इक्वली बांटना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और उसकी जर्नल एंट्री बनेगी कविताज कैपिटल अकाउंट डेबिट सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाती हैं, और जब पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाती हैं तो वो डेबिट हो जाते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हो गया ये क्लियर, आ गया समझ में। ये था क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक टीएस ग्रेवाल एडिशन 2024। ये क्वेश्चन है गिवन पेज नंबर 7.53 पे।